हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वी लुकअप एच लुकअप कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वी लुकअप एच लुकअप होता क्या है। तो हम अगर किसी कंटेंट को सीधा देख रहे हैं, जैसे हम वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, प्रिंट आउट लेते हैं, तो हमें उसके लिए सेटिंग करना होता है। हमें पोर्ट्रेट चाहिए तो लंबाई के लिए करते हैं, अगर हमें लैंडस्केप चाहिए तो चौड़ाई के लिए करते हैं। इसी तरह हमें सेम यही वी लुकअप का मतलब होता है पोर्ट्रेट और एच लुकअप का मतलब होता है लैंडस्केप। अगर देखा जाए तो हम वी लुकअप को वर्टिकल और एच लुकअप को हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे लैपटॉप पर मैंने एक्सेल एमएस एक्सेल ओपन कर रखा है। इसमें मैंने पर एक छोटी सी शीट बनाई है, मैं आपको इसमें जो बताऊंगी वो वी लुकअप के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे कि सबसे पहले हमको क्या करना है, ऐसे आप एक शीट बना लीजिए और इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से हम वी लुकअप फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये मेरा हेडिंग दे रखा है, यहाँ से मुझे फॉर्मूला लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और फिर इसमें मैंने कॉपी सेलेक्ट किया। अब मुझे जहाँ भी अपनी शीट में इसको लगाना है वी लुकअप फॉर्मूले को, वहाँ हम इसे क्या कर देंगे, पेस्ट। जैसे कि मैं राइट क्लिक किया यहाँ पर मैंने और पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये सेलेक्ट एरिया आ रहा है तो इसके लिए मुझे कीबोर्ड से इसका की प्रेस करनी होगी। फर्स्ट के आपके कीबोर्ड में दे रखी होगी, इसके लिए आप प्रेस कर दोगे तो सेलेक्ट एरिया हमारा यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि जो नेम हेडिंग है अब मेरी इसमें, तो इसमें मुझे क्या लगाना है, डाटा वैलिडेशन लगाना है। जैसे कि अभी मेरा ये पूरा दिखाई नहीं दे रहा था डिपार्टमेंट, इसके लिए मैंने कॉलम यहाँ से थोड़ा इससे बड़ा कर दिया था, तो आप इस तरीके से पूरा इसमें देख सकते हैं। अब मुझे इसमें नेम में लगाना है डाटा वैलिडेशन, तो वो आप कहाँ से लगाओगे, ये आपके मेन्यू बार शो रही है ऊपर, इसमें से मुझे डाटा पर सेलेक्ट करना है। फिर हमें डाटा वैलिडेशन ऑप्शन पर जाना है और इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी आपका ऑप्शन ओपन हो चुका है, इसमें मुझे लिस्ट को सेलेक्ट करना है, ओनली लिस्ट को। ठीक है, उसके बाद हम सोर्स पर क्लिक करेंगे। अब हमारा जो फर्स्ट कॉलम है, ये वाला नेम वाला कॉलम है, जैसे हम यहाँ पर लगा रहे हैं इसको, तो सिर्फ हमें नेम वाले कॉलम को ही सेलेक्ट कर देना है और ओके कर देना है। तो सेम वही प्रोसेस हम इन तीनों के साथ भी करेंगे। जैसे कि फिर से मैं आपको बताने रही हूँ, लिस्ट लिया इसमें से मैंने, सोर्स एंड डिपार्टमेंट का ये पूरा कॉलम ले लिया हमने, ओके। सिटी लेंगे अब इसमें से हम, एनी लिस्ट एंड सोर्स, इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे एंड ओके। यहाँ मेरा ये भी लग चुका है। अब लास्ट कॉलम है हमारा सैलरी का, तो इसमें से फिर से हम लिस्ट को लेंगे, यहाँ से लिस्ट ले लेंगे और सोर्स पे क्लिक करेंगे, सैलरी कॉलम को पूरा सेलेक्ट करेंगे एंड ओके। अब आप देखिए, मैंने यहाँ डाटा वैलिडेशन तो लगा दिया, लेकिन जो लिस्ट मेरी इसमें दिखाई दे रही है यहाँ पर, वही लिस्ट आपको सारी इसमें भी शो हो जाएंगी। इस तरीके से आप ये लिस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं डाटा वैलिडेशन के द्वारा। ठीक है, अब मुझे इसमें जो फॉर्मूला लगाना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने ये बॉक्स ओपन कर चुके हैं, इसमें मुझे लुकअप वैल्यू देनी है, तो हम यहाँ लुकअप वैल्यू देंगे इसके लिए। और जो नेक्स्ट बोल रहा है टेबल एरिया, हमने यहाँ से स्टार्टिंग है हमारी, हमें ऐसा नंबर नहीं लेना है इसमें, सिर्फ हमें डिटेल्स लेनी है इसमें ओनली। अब इसमें इंडेक्स नंबर डाल देंगे कॉलम का, नंबर वन कीबोर्ड से एंड लास्ट में हम करेंगे जीरो कीबोर्ड से। ठीक है, और इसमें हम ओके दे देंगे। ठीक, अब हमारा सेम आ चुका है, सेम आना चाहिए आपका। इसी तरीके से फॉर्मूला बार बार आप इसमें लगाते चले जाएंगे। फिर से मुझे इसमें इक्वल लगाना है, यहाँ वी लुकअप आप देखो, अब आपका खुद ब खुद आ रहा है फॉर्मूला फंक्शन वी लुकअप का। और इसमें मुझे लेफ्ट क्लिक करना है, फिर मुझे इसमें लुकअप वैल्यू देना है। हर बार आपको लुकअप वैल्यू यही देनी है, यहाँ लुकअप वैल्यू के लिए चाहिए तो हमें यही देनी है। अब इसमें टेबल एरिया का मतलब, जैसे मैंने पहले सेलेक्ट किया था, ये हमने टेबल एरिया ले चुके हैं। और हम सेकंड कॉलम का कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम डालेंगे सेकंड और यहाँ ज़ीरो एंड एंटर। इस तरीके से सेम आप यही प्रोसेस यहाँ पर करेंगे। लुकअप वैल्यू दे दी मैंने इसमें भी एंड टेबल एरे एंड। अब थर्ड कॉलम को कर रहे हैं, तो यहाँ नंबर थ्री डाल देंगे। आपको सिर्फ ये नंबर चेंजिंग करना है, बाकी पूरा प्रोसेस सेम यही है इसका। बोल दिया, फिर से वी लुकअप पर क्लिक किया, लुकअप वैल्यू दे देंगे इसमें हम, इसमें टेबल एरे दे दी मैंने इसको। और हम कॉलम फोर का कर रहे हैं, तो कॉलम फोर ले लेंगे एंड यहाँ ज़ीरो एंड। देखिए ये चीज़ सब आ चुकी है। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये दोनों तरफ सेम है, ऊपर और नीचे। यहाँ तो मैंने डाटा वैलिडेशन को लगाया था और यहाँ मैंने फॉर्मूले को लगाया है। ठीक है, अभी तो आपको यहाँ शीट इतनी छोटी सी शो हो रही है, लेकिन आपके डाटा में, आपके रिकॉर्ड में अगर काफ़ी शीट है, जैसे नंबर वन से लेकर 100 तक है, और आपको उसमें से 55 नंबर निकालना है, 55 में जैसे कि मुझे देव की डिटेल्स निकालनी है, जैसे कि 1 से लेकर हमारे 100 तक अगर इसमें लिस्ट है,
तो इसमें मुझे बार बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ है, ऐसा हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। हम वी लुकअप के द्वारा उसको डायरेक्ट देख सकते हैं। आप यहाँ पर अगर ऋतु के देखना तो आप ऋतु पे क्लिक करिए और देखो ऋतु कौन से डिपार्टमेंट से है, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट से है और कौन से सिटी से, जयपुर से, इसकी सैलरी 14,000 है। आप इस तरीके से एक बार में किसी का भी डिटेल्स को निकाल सकते हो, चाहे तो आप इसमें टाइप भी कर सकते हो। जैसे कि मैं इसमें डाल देती हूँ जय की, मुझे डिटेल्स देखनी है तो जय मैंने इसमें डाल दिया और एंटर कर दिया, तो देखिए जय की डिटेल्स भी इसमें शो कर रहा है। ये तो हमारा हुआ बी लुकअप। सेम यही हमारा एच लुकअप का प्रोसेस है। तो यही मैं सीट नीचे ले लेती हूँ। इसके लिए यहाँ से सबसे पहले मैंने सीट को कॉपी किया राइट क्लिक करके, अब यहाँ मुझे राइट क्लिक किया। अब आपको पेस्ट नहीं करना है, पेस्ट स्पेशल करना है, ट्रांसपोज पर क्लिक करना है एंड ओके कर देना है। ये देखिए हमारी हॉरिजॉन्टल में सीट आ चुकी है पूरी, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले हम ये हेडिंग्स को लेंगे और राइट क्लिक करेंगे एंड कॉपी, फिर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इतना प्रोसेस होने के बाद अब हमको क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ बी लुकअप को आपको दिखाया था लगा करके, ऐसे हम यहाँ पर अब लगाएंगे एच लुकअप फार्मूला, ठीक है। तो कीवर्ड से हम इसके लिए भी इक्वल को प्रेस करेंगे यहाँ से। अब इसमें हमको सबसे पहले हमको क्या लगाना है, डाटा वैलिडेशन। यहाँ जाएंगे और यहाँ भी इसको हम डाटा वैलिडेशन को दे देंगे, लिस्ट ऑप्शन ले लेंगे, इसमें से सोर्स पे क्लिक करेंगे और इसको हम जरा साइड से रखते हैं यहाँ। और जो फर्स्ट कॉलम है हमारा ये है, इसको पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे एंड ओके कर देंगे। ऐसे ही सेम हम इसमें लगाएंगे, वही प्रोसेस जैसे कि हम बी लुकअप में कर रहे थे। इसमें फिर से हम लिस्ट को लेंगे और यहाँ गए सिटी वाले जो को सेलेक्ट करेंगे एंड ओके, इसके साथ भी लग चुका है। अब मुझे यहाँ लगाना है, इसको फिर से हम डाटा वैलिडेशन पर जाएंगे, लिस्ट पर क्लिक करेंगे, सोर्स में एंड सैलरी और कॉलम रो को सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए सभी के साथ ये लिस्ट आ चुकी है हमारी। अब मुझे इसमें फॉर्मूला लगाना है, कीबोर्ड से इक्वल को प्रेस करेंगे। अब इसमें हमें क्या देना है, एच लुकअप देना है, ठीक है। तो एच लुकअप के लिए क्या करेंगे, हम एफ एक्स पर जाएंगे और इसमें हम एच लुकअप को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और ओके कर देंगे, ठीक है। ये बॉक्स ओपन हो गया हमारा फंक्शन। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, लुकअप वैल्यू चाहिए इसमें, तो हमारी लुकअप वैल्यू ये रहेगी, टेबल एरे, इसमें हमारी टेबल एरे यही हो जाएगी जो हमने वहाँ ली थी, जैसे कि पहले हम बना रहे थे तो टेबल एरे ले ली। और इंडेक्स नंबर कॉलम रो मतलब तो नंबर 1 दे देंगे इसमें भी और यहाँ 0 एंड एंड ये हमारा आ चुका है। ऐसे ही हम सेम यहाँ पर प्रोसेस करेंगे इक्वल एच लुकअप। अब आपको बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है लिस्ट में, क्योंकि हमारे एक बार लगाने के बाद देखो फॉर्मूला बार में एच लुकअप शो हो रहा है। तो इसमें हम क्या देंगे, इसमें लुकअप वैल्यू इसको क्यों देने, क्योंकि हमारी जो भी लिस्ट है सारा इस लिस्ट से वर्क होगा, ठीक है। इसलिए हम बार बार यही वैल्यू को देंगे और इसमें टेबल ले रहे, पूरी टेबल देनी है हमको, यहाँ 2 दे देना है क्योंकि हम 2 रो का कर रहे हैं, इसलिए यहाँ 0 एंड एंटर। इस तरीके से ये आ चुका है। फिर से मैंने इसको इक्वल लगाया, यहाँ क्लिक किया और मैंने इसमें ये लगाया और यहाँ, इसके बाद फिर से हम इसको टेबल एरे दे देंगे। टेबल एरे देखो यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है हमारा टेबल एरे का, इसलिए मुझे ये देना पड़ रहा है। इसमें 0 लगाएंगे एंड यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 0 और एंड ओके। ये चीज़ आपकी लग चुकी है, बस प्रोसेस हो चुका है मेरा, कंप्लीट होने वाला है। यहाँ फिर से लुकअप वैल्यू देंगे, टेबल एरे देंगे हम इसको, फिर इस तरीके से यहाँ 4 नंबर डालेंगे और यहाँ 0 एंड एंड। देखिए ये चीज़ मेरा यहाँ पर भी लग चुका है। अब मुझे इसमें अगर चेंजिंग करना है तो हम ये पॉइंट आ रहा है डाटा वैलिडेशन का, यहाँ से अगर मुझे अमन का देखना है तो देखिए अमन का भी आप हॉरिजॉन्टल में भी देख सकते हैं। ये हमारा हुआ वर्टिकल में यानी कि वी लुकअप, और ये हुआ हमारा हॉरिजॉन्टल में यानी कि एच लुकअप। आप इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से अपनी डिटेल्स को देख सकते हैं, वी लुकअप और एच लुकअप का यूज इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।